था एक जानी, और दूसरी जानी वज़ीरे आज़म इसराइल की तारीफें कर रहे थे, कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो सच क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज, बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई डिनायल नहीं आ रहा, और अगर ऐसा है तो कौम को बताएं ताकि कौम अपना फ़ैसला ले। ये आपका पर्सनल फ़ैसला नहीं है कि आपने अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फ़ैसला नहीं, ये 22 करोड़ आवाम का फ़ैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं कि आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और बदलते हुए सियासी हालात और अपने पर्सनल जो आपके हालात हैं उनको मनूज़ खातिर रखते हुए आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं है, वो कौमी पॉलिसी है, और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए, और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं, और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए, काम को कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं ये गलत है, और अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीजे होंगे। खुदा का वास्ता है कौम से सच बोले, कौम सब जान गई है तो बड़ा अच्छा है, कौम के सामने इनकी हकीकत आ गई।